वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स. सो क्लास क्या है कि आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. तो कौन सा चैप्टर है वो बेसिकली आपका यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स. ये जो आपका चैप्टर है या फिर ये कह लो कि ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली कौन से केमिस्ट्री के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है. सो क्लास लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर मेनली कॉज्ड बाय E. coli and Staphylococcus, etc. It affects the various parts of urinary system, kidney, urethra, bladder. Symptoms include burning sensation during urination, pain in pelvic area, red or pink colored urine, continuous urge to urinate. So class basically क्या है कि अगर मैं बात करूँ urinary tract infections क्या है class कि ये जो infections है ये जो भी आपके इन्फेक्शन है कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है क्लास. ये जो इनके कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे क्लास, आपके जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगे इसमें, ई कोली, स्टेफेलोकोकस एक्सेट्रा, जो मेनली जो यूटीआई कॉज करते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं जो बैक्टीरिया, उसमें सबसे पहले किसका नाम आएगा क्लास, ई कोली का. ई कोली जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो कॉज करता है, क्या कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्लास होता क्या है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आएंगे क्लास, हो सकते हैं यूरिथ्रा, ब्लैडर एंड इवन द किडनी. किडनी जो है वहां से क्या निकलता है हमारा, यूरेटर्स. यूरेटर्स से क्या, अल्टीमेटली यूरेटर्स किसको में ज्वाइन करेंगे आके, यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिन जो है थ्रू यूरिथ्रा बॉडी से बाहर जाएगा. तो क्या है जो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है क्लास, जो यूरिनरी सिस्टम में जितने जो भी सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं उन ऑर्गेन्स में क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं. अब कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं, ब्लैडर हो गया, जो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जो यूरिथ्रा हो गया, यूरेटर्स हो गए, किडनीज हो गए, इनमें क्या हो जाते हैं कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं. तो वो सारा किस में आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में. क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू द इन्फेक्शंस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज में सबसे पहले जो किसका नाम आता है सबसे ज्यादा, ई कोली का. अगर मैं बात करूं इसके कुछ सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे क्लास इसके, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो हो सकता है जब हम यूरिनेट करें तो क्या हो, उसमें जो है एक जलन जलन सी हो, उसमें बर्निंग सेंसेशन जो है हो उस टाइम, और या फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस अर्ज टू यूरिनेट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स. Urinary tract infections can be treated with many drugs like sulfonamides, quinolones, and other agents. These agents are mainly concentrated in urine after administration. These are effective in eradicating urinary tract infections. So basically, क्या है कि इसमें कौन-कौन से agents जो है वो use किए जाते हैं? Sulfonamides, quinolones, and other agents. ये सभी जो आपके क्लास के ड्रग्स है ये किस में यूज होते हैं, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में यूज होते हैं. ये क्या करती है, ये सभी जो ड्रग्स होंगे, ये जो भी केमिकल मोइटी होंगे, जो भी ये ड्रग्स होंगे क्या करेंगे, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होंगे उसको क्या करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, उसको हटाएंगे. कैसे हटाएंगे, उन जो बैक्टीरियाज है उनको किल करके तब ये हटाएंगे. कौन से बैक्टीरियाज को किल करेंगे, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. और
ये जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली क्या है, ये आप जब इनको लेते हो तो आफ्टर आफ्टर जब इनको आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स क्या होता है, ये मेनली आपके यूरिन में कंसेंट्रेट होके निकलते हैं। तो जब यूरिन के थ्रू निकलते हैं तो वहाँ पे जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उसमें इन्फेक्शन कॉज करे, उनको भी क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं, उनको इरेडिकेट कर देते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। Now let us see the classification. So classification includes quinolones. Quinolones उसके बाद उसमें कौन कौन से आएंगे बेसिकली क्लास आपके, नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लोक्सासिन, सीप्रोफ्लोक्सासिन, स्पायरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन एंड जेमीफ्लोक्सासिन। सो क्लास कौन कौन से ड्रग्स आएंगे आपके इसमें, अगर मैं क्लास क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो क्विनिलोन क्लास के ड्रग है, ये जो यूटीआई एजेंट्स है, इस यूटीआई जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है, इसमें बेसिकली कौन से क्लास के ड्रग्स यूज होते हैं क्लास, क्विनोलोन्स क्लास के। तो क्विनोलोन्स क्लास के जो ड्रग्स है वो कौन कौन से होंगे क्लास बेसिकली, तो इसमें है आपके नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लोक्सासिन, सीप्रोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन एंड लास्ट इज जेमीफ्लोक्सासिन। Now moving to the next slide, students. So quinolones constitute a large class of synthetic antimicrobial agents that are highly effective in the treatment of many types of infectious disease, particularly those caused by bacteria. Quinolones are potent, broad-spectrum antibacterial agents. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है क्लास इसमें, क्विनिलोन्स आर पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। कहने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि जो क्विनिलोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पोटेंट ड्रग्स होते हैं, जो अगर थोड़ा सा भी आप इनको एडमिनिस्टर करते हो इनका इफेक्ट जो है तुरंत, और खासकर मतलब थोड़ा सा भी अगर आप इनको जो है एडमिनिस्टर करते हो तो इनका इफेक्ट जो है काफी ज्यादा आता है या फिर इनफ इफेक्ट आता है इनका। तो ये क्या ड्रग होते हैं क्लास, आपके जो ये ड्रग्स होते हैं क्या होते हैं बेसिकली, पोटेंट ड्रग्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि ये आपके जो इनका स्पेक्ट्रम होता है बैक्टीरिया को किल करने का वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में ये ड्रग्स आपके आते हैं। और क्या है क्लास, जो है ये बहुत अच्छे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स तो है, खासकर जो बैक्टीरियास के लिए जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है, उनको जो है बहुत ही ये उनके मतलब बैक्टीरियास को किल करने में ये बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव साबित होते हैं। So class, now moving to the next slide. Let us see the mode of action of these drugs. Quinolones inhibit the action of bacteria. कैसे inhibit करेगा? It inhibit the action of bacterial DNA gyrase enzyme. This enzyme is responsible for supercoiling and compacting bacterial DNA molecules into the bacterial cell during replication. The action is accomplished by modifying the topology of DNA via supercoiling and twisting of these macromolecules to permit DNA replication or transcription. तो क्विनिलोन्स बेसिकली क्या करेंगे क्लास, ये आपके जो डीएनए जायरेज कह लो या फिर डीएनए गायरेज जो कह लो, ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है इसको क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे। जब डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो उसी से जो है इसका एक्शन शो होगा।
तो डीएनए गाइडेज जो है बेसिकली उसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा क्लास, आपका जो डीएनए है उसका ना ही, क्योंकि डीएनए गाइडेज क्या करेंगे बेसिकली उसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करते हैं वो डीएनए की। तो अगर मैं बात करूँ डीएनए गाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा क्लास, आपका जो एक तरह से कह सकते हैं डीएनए का जो प्रॉपर तरीके से ना ही रेप्लिकेशन हो पाएगा, ना ही उसका रिपेयर हो पाएगा, और ना ही उसका कह सकते हैं कुछ उसमें उसका ना ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। तो इस तो एक जो आपकी सारी जो उनमें एक जो रेप्लिकेशन जो मशीनरी है, जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, वो क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो सेल्स का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। सेल्स सेल्स जो है उन है उनकी बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, दिस इज द जनरल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलोन्स एंड हियर वी कैन सी दैट फ्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस पोजिशन, सो इट विल सो वी मे ऑल्सो कॉल्ड इट एज फ्लोरोक्विनोलोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन मोइटी इन फ्लोरीन ग्रुप इन दिस मोइटी। Now moving to the next slide students, so let us see a detailed explanation of the mechanism of action of quinolones. It acts as anti-infective agents and treats UTI by inhibiting the A subunit of DNA gyrase enzyme topoisomerase, which is required for reproduction of bacterial DNA. So मैंने आपको बताया था कि जो ये कौन से दो एंजाइम्स को इनिबिट करेंगे, एक तो आपके डीएनए गाइरेज को इनिबिट करेंगे, दूसरा टोपो आइसोमिरेज 4 को भी इनिबिट करेंगे। टोपो आइसोमिरेज 4 क्या करते हैं, बेसिकली जब आपके सेल्स का डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स वगैरह का भी डिवीजन होना होता है, तो उसमें जो है वो हेल्प करता है। लेकिन जब ये आपके टोपो आइसोमिरेज 4 को क्या कर देगा, ये जो ड्रग है इसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। तो इनिबिट कर देगा तो क्या होगा, जब डीएनए जब सेल्स का डिवीजन होना है तो क्रोमोसोम्स भी उसमें जो है डिवाइड होंगे, तो वो सारे जो उसका सेपरेशन होगा डिवीजन होगा वो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। और साथ में क्या है कि डीएनए जो गाइडेज है उसको भी क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे। डीएनए गाइडेज को इनिबिट कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, जो बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसका ना ही प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन हो पाएगा, ना ही उसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। तो सारा जो आपका एक जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो भी सारा क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा और हैम्पर हो जाएगा। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो बैक्टीरिया के जो सेल का ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगा और सेल्स जो है डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया के जो सेल्स है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि क्या है क्लास की डीएनए गाइडेज क्या करते हैं, बेसिकली अनविंड डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अनविंड करते हैं, और जिससे क्या हो उनका जो रेप्लिकेशन वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। लेकिन क्या है कि अब डीएनए गाइडेज को वो इनिबिट कर देंगे तो जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो प्रॉपरली अनविंड तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनका जो ना ही प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा उसका प्रॉपर तरीके से कुछ भी। तो ये जो पूरा रेप्लिकेशन पाथवे है, पूरा जो एप्लीकेशन मशीनरी है, वो क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। क्यों हैम्पर होगा, ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ द एंजाइम डीएनए गाइरेज। एंड फिर लास्ट में भी एक एंजाइम को इनिबिट करेगा, वो कौन से को करेगा क्लास, टोपो आइसोमिरेज 4 को। और अगर मैं बात करूं खासकर जो ये आपके सीप्रोफ्लोक्सासिन जो ड्रग्स होते हैं वो खासकर आपके जो आप ये अल्फा सब यूनिट होता है, या फिर जो हम कह सकते हैं जो ए सब यूनिट होता है डीएनए गाइडेस का, उसको जाके क्या करेगा, इनिबिट करेगा। खासकर कौन से ड्रग्स करेंगे, जो सीप्रोफ्लोक्सासिन ड्रग्स होते हैं वो करेंगे। सीप्रोफ्लोक्सासिन भी आपके क्विनोलोन्स क्लास में ही आता है। So class, that's it for today. So in the next video, we will continue with the rest part of this chapter. So thank you for watching this video.